हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे आपको जोधपुरी कचौड़ी प्याज की बताऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया है 5 प्याज। उसे मैंने बारीक काट रखा है। नमक सेंधा लिया है मैंने। मसाले हल्दी, पंचफोरन और भुना हुआ जीरे का पाउडर, हींग, काली मिर्च। आटा मैंने 2 कप लिया है। मैं 200 ग्राम और मैंने लिया है तिल 1 बड़ी चम्मच। मैं 2 चम्मच ऑयल डालूंगी अपने आटे को और अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड कर रही हूँ और मैंने पूरे मिक्सचर को ठीक से मिला लिया है। अब धीमे धीमे पानी ऐड करते हुए हम आटे को अपने गूंथ लेंगे। और इसे अच्छी तरह 6 से 7 मिनट गूंथने के बाद हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका, हमने पंचफोरन डाल दिया और अब ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। प्याज के साथ हम ऐड कर देंगे अपने मसाले, हल्दी और नमक जो मैंने रॉक्स डाल दिए। इन चीजों को हम मिलाकर फिर मास पे छोड़ देंगे ढककर और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज अच्छे से स्वेट हो जाए। मीन्स सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा आँच में तेल लगाकर हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया और हमारा आटा पूरी तरह गूंथ चुका है। 10 मिनट रेस्ट के बाद मैंने इसे फिर 2-3 मिनट नीट कर लिया। अब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी कचौड़ी की लोई बनाना। तब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है। हम इस तरह लोई बनाएंगे अपनी और उसके बाद इन्हें ऐसे प्रेस करेंगे। बीच का हिस्सा मोटा रहेगा, साइड से पतले होंगे कॉर्नर्स, ताकि हम इसके अंदर भरावन भर सकें। मसाला ठंडा हो चुका है और मैं अब कचौड़ी भरना स्टार्ट कर देंगे। इसे हम प्रेस करते हुए ऐसे दबाते हुए अच्छे से भर देंगे। देखिए, मैंने फोल्ड कर दी। इसमें आप ज़्यादा भरना चाहें तो इस तरह कर दीजिए। इस तरह करते हुए हम धीमे धीमे अपनी सारी कचौड़ियाँ भर लेंगे। ऐसे दबाएंगे प्रेस करते हुए इसके साइड्स को पकड़कर। इस तरह हम सारी कचौड़ियां भर लेंगे। हम इस तरह चेक करेंगे अपने ऑयल को कि गर्म हो गया है कि नहीं। देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं अपनी कचौड़ियां डालूंगी, उसके बाद आंच हम सिम कर देंगे ताकि कचौड़ी अच्छे से पक सके।
हमारी आटे से बनी कचौड़ी तैयार हो गई है। इसे सेकने में कुल 10 मिनट लगे हैं। पहले हम इसे ऊपर की साइड से फिर नीचे की धोते हैं, क्योंकि ऊपर अगर हम इसका हिस्सा रखेंगे जो सीलिंग के समय बंद किया था, तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए क्रैक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसे उलट पलट कर सेक दूंगी और सर्व करने के लिए निकालूंगी। अब हम अपने कचौड़ी को बाहर निकाल लेंगे और फटाफट इसे सर्व करेंगे। प्याज की कचौड़ी को जरूर आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है। आपको जरूर ये कचौड़ी पसंद आएगी। अगर आपको हमारे कचौड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।